मंगलवार को मुंबई में सामने आए सेक्स रैकेट में रियल क्राइम बेस्ड शो सावधान इंडिया की एक्ट्रेस को भी अरेस्ट किया गया है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब किसी एक्ट्रेस का नाम सेक्स रैकेट में आया है। इससे पहले भी बॉलीवुड और साउथ की कई एक्ट्रेसेस का नाम सेक्स रैकेट में फंस चुका है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में। इसी साल तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस और प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर सुकन्या को चेन्नई के एक होटल से देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2011 में पॉपुलर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री यमुना को बेंगलुरु पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट में शामिल रहने के आरोप के चलते गिरफ्तार किया। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री किन्नरा को सेक्स ब्रोकर की भूमिका के लिए आरोपित किया गया था। इसका खुलासा एक न्यूज चैनल के स्टिंग में किया गया। तेलुगु धारावाहिक हेमा बिंदु और लाया में काम कर चुकी एक्ट्रेस श्रावणी को एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में 3 अक्टूबर 2013 को मधापुर में रंगे हाथों पकड़ा गया था। 9 जनवरी 2014 को मुंबई में एक IAS OP गुप्ता के घर छापेमारी के दौरान हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था। चौंकाने वाली बात ये थी कि रैकेट कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री मिस्टी मुखर्जी चला रही थी। चलते चलते और ओम शांति ओम जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस ऐश अंसारी को 5 जनवरी 2013 को रंगे हाथ जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ा गया। साल 2014 में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक सेक्स स्कैंडल में श्वेता बासु का नाम आया था। 2 महीने तक रेस्क्यू होम में गुजारने के बाद वो घर लौटी थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।